गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राशि डेढ़ास ब्लॉग। कैसे हो आप सब? दिन की स्टार्टिंग करेंगे थोड़ी सी अलग। अभी मैं जा रही हूँ छत पे पूजा करने, उसके बाद आज बनाएंगे ब्रेकफास्ट और अपना थोड़ा सा डेली से अलग रूटीन होगा, जैसे कि अपनी क्लीनिंग वगैरह वो सब करेंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करिए, अभी चलते हैं छत पे पूजा करने। तो ये हैं हमारे देवता, जो पितृदेवता होते हैं, छत पे हैं, तो हम हर संडे इनकी पूजा करते ही करते हैं और भी कोई ओकेजन्स होता है उस पे, और पापा मम्मी तो इनकी डेली ही करते हैं, मैं और दीदी हम इनकी संडे को करते हैं। आजकल तो 8-9 बजे इतनी गर्मी हो गई है, मैं कर लूँगी अपने चाय नाश्ते की तैयारी, समाएँगे इतने रेडी कर लेती हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं ज़्यादा स्टफिंग वाले पराठे। देखिए फट जाते हैं ना कई बार स्टफिंग, तो आप इस तरह से एक पेड़ा बना सकते हैं उसका, और उसको लोई के अंदर डाल दीजिए, और जो भी इसमें से एक्स्ट्रा आटा बचता है उसको भी निकाल दीजिए, तो इससे ना पराठा फटता नहीं है और बहुत अच्छी स्टफिंग हो जाती है। तो मेरा सारा काम हो गया है, अब मैं हूँ फ्री और अब मैं करती हूँ अपनी कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज, जैसे कि अपनी अलमीरा। इसको कितना भी ठीक कर लो ये ख़राब होती रहती है, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र नहीं थे इसके। ठीक है, मैंने जैसे तैसे किए होते हैं और मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कुछ अच्छे ऑर्गेनाइज़र मिले तो मैं कर लूँ, लेकिन इतने महंगे थे और मैं चाह रही थी कुछ अफोर्डेबल सा मिल जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कुछ करे थे ना तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, दीदी कुछ अफोर्डेबल में बताइए हमारे लिए भी, हम भी कुछ लेना चाह रहे हैं। बट वो मैंने ऐसे लिए थे, उनका लिंक नहीं था, बट आज मैं आपको प्रॉपर लिंक वगैरह रेट के साथ प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लेना आगे। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया, पर पहले उससे पहले मेरी अलमीरा की हालत देख लीजिए, कितना भी ठीक कर लो यार ये खराब हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे अनस्टिच सूट हैं, पर्स मेरे जो नए आए हैं बर्थडे वगैरह पे वो ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है, और यहाँ मेरे जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते हैं देखने में। तो इनके लिए मैंने क्या क्या मंगाया है सामान पहले मैं आपको शो कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये है शर्ट ऑर्गेनाइजर। ठीक है, इनमें हम शर्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। मुझे मिला है 329 रुपए का, ये था 1190 रुपए का और इनपे 72% ऑफ था, इतने कम प्राइस में मैंने तो फटाफट ये बुक कर लिया, कलर भी बड़ा प्यारा था। ठीक है, इसी के मैचिंग मैंने फिर ये सेकेंड ये जो मैंने दिखाया, ठीक है, अंडर गार्मेंट्स वगैरह रखने के लिए ये मंगाया, एक अच्छे से कवर हो जाएगा और इसमें देखिए अलग अलग पार्टीशन दिए हुए हैं, अपने हैंकी सॉक्स और अपने अंडर गार्मेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और ये देखिए अच्छे से कवर हो जाते हैं। 399 का था, इसमें दो पीस मिलते हैं आपको, 799 का था, इन पर 50% ऑफ मिल गया। ये एक मैंने मंगाया है पर्स ऑर्गेनाइजर। ठीक है, मेरे पर्स जैसे तैसे पड़े ना और अलमारी में रखो तो उन पर धूल मिट्टी चढ़ी जाती है, तो अच्छे से पैक होकर आपको सामने से दिखते रहेंगे, जैसे ट्रांसपेरेंट इस पर कवर है। 279 का मुझे मिल गया था, ये 599 का था, इस पर 53% ऑफ मिल गया। और ये क्यूब बिन्स मिल गई हैं, ये मैंने दो मंगा ली, मेरी अलमारी में बहुत सारा सामान हो रखा था तो इनको अच्छे से अरेंज करने के लिए मैंने ये मंगाए हैं। ये 449 का सेट मिल गया मेरे को, और ये 1999 का था, 77% ऑफ मिला है इस पर, मैंने ये ले लिया। और वो साड़ी ऑर्गेनाइजर मंगाए हैं, तीन का सेट मुझे सिर्फ 220 में मिल गया है, तो मैंने सारी चीज़ 200 से 500 रुपए के बीच में मंगा ली है। और अभी आपको मैं ऑर्गेनाइज करके दिखा देती हूँ किस किस तरह से हम इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इनका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आपको इनका प्राइस मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो इनको व्हाट्सएप से मंगा सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से ले सकते हैं। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी की इस पे फैसिलिटी है, और हाँ इसमें 5 डेज का एक्सचेंज और रिटर्न की भी पॉलिसी है, अगर आपको पसंद नहीं भी आए हैं घर आने के बाद तो आप इनको रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक से इनको ले सकते हैं। और चलिए मैं फटाफट ऑर्गेनाइज करके आपको दिखा देती हूँ इनमें क्या क्या चीज़ मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ हो गई है मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या किया है। शर्ट ऑर्गेनाइजर है, जैसे यहाँ पे मैंने नाइट सूट रखा है, देखिए इतने इजीली ये आराम से ऐसे निकल जाते हैं, इजीली आप इनको रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा है अंडर गार्मेंट्स का, इसमें पकड़ने का है, इसको आप आगे करेंगे स्लाइड और ये पीछे आराम से चला जाएगा। यहाँ मैंने बेल्ट रखी है, मास्क और मेरे अंडर गार्मेंट्स। ठीक है, तो इनको दिखाना नहीं था इसलिए मैंने कवर वाला लिया है, इनको आराम से पीछे कर देंगे। यहाँ भी सेम मैंने यही फिक्स कर लिया, और देखिये मेरी अलमारी की जो वेट है ना काफी कम है, उसमें तीनों चीज आराम से एडजस्ट हो गई है। यहाँ पे मैंने रखी है, ये मैंने मंगाई थी ऑर्गेनाइजर बिन, तो इसमें मैंने अपने थोड़ा सा सामान रखा है, लाइक मेरे सनग्लासेस और फोन केस, और इस वाले में मैंने रखी है अपनी कुछ एसेसरीज जैसे बेल्ट, नेकलेस और ये
पिन वगैरह जो मैं डेली में ले लेती हूँ, और यहाँ पे मेरे कुछ छोटा मोटा लिक्विड, तो इस टाइप से आप इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये पार्ट जो मेरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो देखिए इसको मैंने इस तरह से कर रखा है, इसमें रखी हैं ये साड़ी ऑर्गेनाइजर में मेरे जो अनस्टिच सूट हैं जो अभी मैं नहीं पहन रही हूँ, कुछ इस टाइप के कपड़े, आप आराम से, और इस तरह से पूरी ऑर्गेनाइज हो गई है। ये पर्स ऑर्गेनाइजर हैं जहाँ मैंने लटकाए हुए थे, अब ये इसके अंदर आ गए हैं, इनमें धूल मिट्टी नहीं लगेगी, डस्ट वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। इजी हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे और ऐसे ही डाल दीजिए, और बैक साइड भी मैंने डाल दिए हैं जो मेरे एक्स्ट्रा थे, और भी जो आएंगे उनको मैं लगा दूंगी। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, 6 पर्स हम डाल सकते हैं। तो ये मेरा पूरी अलमीरा हो गई है ऑर्गेनाइज इस तरह से, तो ये ऑर्गेनाइज हो गई है। और मैं थक गई, पैरों में होगा दर्द, अब पी रहे हैं चाय, इवनिंग टी, चाय पी लीजिए सब। तो आज सुबह तो मैं बता दूँ, बनाए थे आलू के पराठे, आप हो गए हमेशा ही बनते हैं, सुबह बनी थी घिया की सब्जी और छाछ, यही सब था लंच में। आज संडे में कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया क्योंकि जो ऑफिस वगैरह कल से खुल गए हैं, जाएंगे तब अच्छा बनेगा, घर पर तो यही बन जाते हैं नॉर्मल। घिया की सब्जी संडे को बहुत टेस्टी बनी थी। मैं आता है रोज कह रही टेलर, 3-4 बार आकर चलो, और यहाँ से मैंने यूँ कही कि सूट ढूंढ ले मेरा, नहीं ना मैंने ऊपर भिजवा दिया, अब कहाँ मिलेगा, वहाँ दिन से ढूंढ लेती तो मेरा बनना जाता। मैंने पहले मैं ठीक कर रखी, अब मुझे खराब हुई जल्दी सही करूँगी, जो मैं कुत्ता खा लूँगा सही करूँगी, सही करेगी। और मैं अनु गए, मैंने ऊपर भिजवा दिया सूट तेरा, मैंने ऊपर भिजवा दिया सूट तेरा, अपने कपड़ा की कोई गौर नहीं, कितने कपड़ा आ रहे हैं जा रहे हैं घूम रहे हैं मिल रहे हैं, टेलर कपड़े हैं, मतलब ही नहीं। अच्छा मतलब वो वाला हाल है, मेरा देख लिया मेरा सिलवा जगा दे पूरा, ऐसा तो फिर भी मैं मायने से कह रही हूं, मैंने की पूजा मेरा सूट ढूंढ ले, है मेरा सूट ढूंढ ले, अच्छा ना तेरे ही मेरा कुछ है नहीं होगा, मतलब देख जब याद आई जब लगेगा, मतलब यहां मैं अपना तो अलमारी में छुपा कर रख रखा जो याद आ गया है, और मेरा उनका पड़ा जिस दिन टेलर आया ना वो बाहर से उठा कर ले आई कि मेरा तो यू है और तेरा तो मैंने भिजवा दिया है ऊपर, दोनों ही अलमारी में, एक पीछे गिर गया, उनकी जो पिंजरे फिसली कपड़ा के पीछे गिरी पड़ी, और एक सामने सामने मिल गई, एक सामने मिली मैं कुछ मेरी होगी तो लेगी, पर मैं जब ऐसा रोज याद आते नहीं कह रही हूँ कि मैं उसे नहीं लाई पर मेरे पास ऊपर नहीं आया, नहीं तो मैंने ऊपर भिजवा दिया, तो मैंने ऊपर भिजवा दिया, अपनी बात ऊपर नहीं आने दे रही हूँ, बात छोड़ो खाने का बना रहे, खाने मिलेंगे तो वो भी खाने की बात सारे दिन खाने को था, क्या बनाया, कुछ भी नहीं बनाया मैंने, आज सुबह की सब्जी है, सुबह की सब्जी चलाएगी तो तुम संडे स्पेशल बना दिया सुबह से, आज तो भाई सुबह की सब्जी तुम बना रहे हो, तब स्पेशल सब्जी तो नहीं बनाई, नहीं कुछ सुबह ही बनी थी वही खाएंगे, तो इतनी बढ़िया बनाई होती तो सुबह ही खत्म हो जाती, सुबह से खाई ना खाओ रात खुल गई, सब्जी बहुत स्वादिष्ट है, 10 बार की हुए मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, इन्हें रात के 12 बजे अब ये खानी है, क्या बनवा रहे हो, खाना चटोरू दो तेरे का ही चीज की परेशानी हो रही है, तेरे माइंड में ये गंदे गंदी बात आ रही है, फोन वोन छोड़ देखना, बताओ ले बना रहे हैं आज हम आलू टमाटर की सब्जी, और साथ में क्या खाएगा, रोटी, रोटी या पूरी, मैं अपने लाडे चर के लिए पूरी बना दूंगी, हलवा बना दूंगी, क्या खाएगा बता, पूरी 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 आटा था ही ना, तो सबसे पहले डाल देंगे घी, कान्हा की सब्जी बनाऊंगी मैं घी में, कितना मोटा है भगा जा रहा जीने पैसे, हाँ यही तो
तो छुपको ना ये यही में निकले हैं ये यहाँ साफ करा जब निकले ना ये तुम्हारे साथ ना ये मतलब आठ निकल गए हैं सात छह छोटे एक बड़ा बड़े चूहे है ना क्या बड़े बच्चा होते हैं है ना छोटे चूहे होती है बड़े चूहे तो आज रात का डिनर देखिए मैं बना रही हूँ अपने किचन में। क्यों बना रही हूँ क्योंकि बताती हूँ मैं आपको, हो गई है रात और काना को खाने थे आलू टमाटर की सब्जी और पूरी, और आज सब्जी बनी थी घिया, उसने खाया नहीं। ठीक है, अभी नीचे आ गया रोता पीटता हुआ, फिर मुझे दोबारा से बनाना था, आटा भी थोड़ा ही था, तो दोबारा मैंने सब्जी बनाई है उसके लिए और अब पूरी बना रही हूँ, अभी रोटी बना के पूरी बनाऊंगी। हाँ तो यही बात थी बस। तो इस तरह से हमारा संडे बन रहा है, लेट तक रोटी पूरी आलू की सब्जी। हाँ कहाँ से आ रहे हैं? जो ये जिस जो जो सब बेडरूम से है ना, जहाँ पर वो नल है, नल नहीं वो छोटी सी जिसमें से कान खजूर दो बार निकले थे उधर से, वो छोटी छोटी कुछ कह रहे हैं बोलो जरा। मैं कह रहा था गृहिणी की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, हस्बैंड रोटी खा रहा है, बच्चा पूरी खा रहा है, हस्बैंड की फरमाइश आ गई, छाछ चाहिए तो इतना बड़ा बड़ा गिलास कौन पीता है, इतने बड़े बड़े गिलासों में कमेंट में बताओ छाछ, और एक पूरा होता है लवर, जो छाछ के लवर है वो पिए, वो बताओ इतने बड़े बड़े गिलासों में हस्बैंड के लिए छाछ बन रही है, बच्चे को चाय के लिए अभी मुझे खाना चाय पिएगा अच्छा ठीक है तो बेटा सुबह बिना चाय बिस्किट मैं लिखा था राजी को फंसाने की सोच रहा था, बट सल्यूट टू द वर्क ऑफ ऑल हाउसवाइफ। चलो तुम हाउसवाइफ बनकर दिल जीतते रहे करो, बीच बीच में कमेंटिंग हाँ ये मुझे चाहिए, कौन कौन ऐसे बड़े बड़े ग्लासों में चाय पीता है, कितना आपको चाहिए, आधा लीटर या पौन लीटर ज्यादा है मैं। फिर कोई कमेंट करेगी तेरे को डाइट की जरूरत है अब तो मैं डर भी है, पहले कहेंगे कमेंट करो और फिर कोई बोल देंगे कि भाई ये करो वो करो, फिर चिढ़ जाएंगे ना मैं तो। फिर अभी तो कह रहे हैं फिर कोई कहेगी डाइटिंग की जरूरत है, डाइटिंग की जरूरत है तो है ही, कर लो यार प्रोग्राम कौन डाइटिंग करेगा। हाँ कोरोना में तो कोई ना करेगा, तभी तो मैं मोटी हो गई, कोरोना में डाइटिंग नहीं कर रही, तीन टाइम खा रही हूँ दबा के। बनने वाली आलू टमाटर की सब्जी और यहाँ हमारी पूरी तैयार है, और ये चल रही है गैस यहाँ बना के, मैं इसको दे के आती हूँ, खानी है तो बताओ आलू की सब्जी पूरी ना, मैं तो छाछ सर जारी सब्जी सर तुमने नाइट सूट पहना हुआ है, नीचे का कहाँ पजामा
भले ही जवाई बैठो तो प्लेट उठा ले जाओ ले जाओ थोड़ी सब्जी थोड़ा छाछ और एक प्याज बस और कुछ नहीं खा रहा ठीक है बिल्कुल हैंड वॉश करो आप तो आई एम तो गुड बेबी हो एक पूरी सब्जी टेस्ट करके देख लो वाह रात में बेटा की फल तो अब हो गई है रात हमारा पूरा काम फिनिश हो गया है इस तरह से हमारा संडे रहा और मैं ले रही हूँ अपना दूध च्यवनप्राश कान्हा भी और अब फ्री हो गया ना इस टाइम मैं अपना एक टीवी शो देखती हूँ जो कान्हा को बिल्कुल नहीं पसंद है पर भी मैं देख लेती हूँ क्योंकि पूरे दिन ये देखते हैं यार एक आधे घंटे का तो मुझे देखना चाहिए ठीक है इतनी रात हो गया तो चलिए गाइज मैं इस व्लॉग का करती हूँ एंड मैंने दिखा दूंगी तो चलिए मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड तब तक अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।